यार मुझे खाना ही नहीं तुम्हारा, चिकन बिरयानी, चिकन तो प्याजा, चिकन चौमिन, चिकन चिली, कुछ भी नहीं खाना, चिकन सब्जी सब रख लो, नहीं करना मुझे चिकन डिनर। आजकल एक गेम ने पूरे भारत को नॉन वेजिटेरियन बना के रखा है, सोते जागते उठते बैठते लोगों को चिकन डिनर ही करना है। ये जानते हुए भी कि साला मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अरे ऐसी भी क्या हड़बड़ी है भाई चिकन डिनर करने की, ये तो कोई और भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे तो करना ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी की। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो भाई इससे बढ़िया कोई और बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे 100 हिंसक प्राणी एक दूसरे के जान के पीछे खुले साड़ की तरह पड़े रहते हैं। कोई किसी पे बम मार रहा है, कोई सेब फेंक कर मार रहा है, तो कोई इनसे बचने की कोशिश कर रहा है, कोई खुद को बचा रहा है। तो समय ना गवाते हुए आज हम बात करते हैं इस रणभूमि के वीर योद्धाओं के बारे, कितने किस्म के योद्धा अपना रंग जौहर दिखाते हैं। सो शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट का पहला बंदा है टांग अड़ाऊ। जी हाँ, टांग अड़ाऊ। ये साले ऐसे होते हैं कि बंदा कोई खड़ा है सामने से, लेकिन ना ये तो नहीं मानेंगे, ये जाके उसे उछल उछल कर मारेंगे, कूद कूद के मारेंगे, लात मारेंगे, भूसा मारेंगे, बम फेंक के मारेंगे। यार हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा, बताओ? भूसे मार के चले जाते हैं, नहीं क्या मिल जाता है इस सबसे तुम्हें? हमारे इस लिस्ट का अगला नमूना है ठरकी। जी हाँ, ठरकी। आप सोच रहे हैं ये कैसा बंदा है भाई? भाई ठरकी कहाँ नहीं होते, इन्हें बस बंदी दिखा दो तो कोई इन्हें भूसा मारेगा, कोई इन्हें फ्लाइंग किस करेगा, तो कोई पता नहीं क्या क्या यार साला सूंघते रहते हैं इनमें। हाँ सूंघते रहते हैं, जो भी हो। और सच बताओ ये मोस्टली लड़के ही होते हैं जो लड़की बन के खेलते हैं, लेकिन ये लोंडे होते बड़ी हरामी किस्म के हैं, साले लड़की के गेटअप में आके पता नहीं क्या क्या फीलिंग दे जाते हैं। सॉरी मैं मुद्दे से भटक रहा था। हमारे लिस्ट में अगला नंबर पे आता है लैला मजनू। क्या आप जानते हैं पबजी ने हमारे देश में छोरीबाजी कितने द्वार खोल दिए हैं? नहीं, पहले लोग कबूतर से अपने मैसेज को सेंड किया करते थे, फिर जमाना आया भाई टेलीफोन का। नहीं, हमारा देश प्रोग्रेस किया तो टेलीफोन हम यूज करने लगे, लेकिन वो सिक्योर कहाँ था? कभी बात करते करते हमारे पेरेंट्स देख लेते, किसी घर वाले देख लेते, बंदी के देख लेते, बंदा का देख लेते। एक बार तो मैं भी पकड़ा गया था, सॉरी। लेकिन पबजी इसमें क्या है कि घंटों घंटों आप बैठे रहो साथ में फोन लेके, फैमिली को क्या पता चल रहा है? नहीं, हमारा बच्चा तो गेम खेल रहे हैं। लेकिन नहीं, गौर से देखो आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, पता चलेगा फिर। भाई इसे ही कहते हैं रिश्ता वही सोच नहीं। वाह वाह, हमारे लिस्ट में अगले स्थान पे आते हैं लपड़चट्टा। हाँ, इस तरह का प्लेयर होते हैं ऐसे हैं कि वो लंबी 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 दूर दूर की हाँकते हैं, बट इनसे होता कुछ भी नहीं है। इस टाइप के प्लेयर में ये खूबियां पाई जाती है कि इनके पास आपको दुनिया भर के सारे हथियार सारे चीज मिल जाएंगी, लेकिन इसका यूज ना कभी वो करेंगे ना किसी को करने देंगे। अगर कोई दुश्मन सामने से चला भी जाए ना तो गोली भी इससे चलेगी नहीं। भाई करोगे क्या इतने सब चीजों का, करोगे क्या तुम? और ये करते क्या पता है, जाते अपने प्लेयर को रिवाइव कराने, सारा उसे मरवा के आ जाते हैं। अगर एक बार तुम मिल जाए मेरे सामने, चप्पल से मारूंगा तुझे। अब हमारे लिस्ट का अगला प्राणी हर्रामी। जी हाँ दोस्तों, हर किसी न किसी स्क्वाड में आपको एक न एक रेंडम आदमी ऐसा मिल जाएगा जो बहुत पापी होते हैं। भाई इतने पापी होते हैं कि साले अपने ही स्क्वाड के किसी अननोन प्लेयर पे बम फेंक के उसका सामान लूट लेते हैं। अगर इसमें भी मन ना भरा उनका तो करते क्या है, किसी गाड़ी में बम फेंक के मार देते हैं। भाई मुझे खेलने का मन नहीं था, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे यार एक बार तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, एक अननोन प्लेयर मेरे सामने नोक पड़ा था, मैंने उसे भगवान बनकर बचाया, लेकिन साला उसने मुझे ही बम फेंक कर मेरा सारा सामान लूट लिया। यार मिला क्या? नहीं कुछ मिला तो बताओ। जी तो कर दो साला उसे खाने पे स्मॉल ग्रेनेड फेंक दो जिससे सारा शरीर पे से उसका धुआं निकलता रहता। हमारे लिस्ट का अगला प्राणी है घर घिसोड़े। इस टाइप के प्लेयर अक्सर वार मोड पे पाए जाते हैं, क्योंकि क्लासिक मोड पे इनकी तो चलाकी चलती नहीं है। वॉर मोड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किल्स, तो ये भाई साहब एक्टिव प्लेयर्स के किल्स तो ले पाते नहीं है। ये करते क्या है, जोन के सबसे एंड में जो प्लेयर ऑफलाइन बैठे हैं ये जाके उन्हें मारते रहते हैं।
और यही नहीं, ये चिरगुजे किल्स लेने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि बेसिकली उन्हीं को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी नॉक्ड होते हैं। माय गॉड भाई साहब, मतलब कुछ भी। अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट के फाइनल और आखिरी प्लेयर से। जी हाँ, सपोला। यार मैं इन सपोलों से बहुत परेशान हूं, नहीं बहुत ज्यादा। ये ससुरे करते क्या है, जहां घास देंगे बस कुंडली मार के बैठ जाएंगे और घिसटते रहेंगे घिसटते रहेंगे घिसटते रहेंगे। नहीं मतलब क्या है यार, तुम खड़े होकर भी चल सकते हो। ये प्रजाति लास्ट सर्कल में अधिक पाई जाती है और अगर इन्हें एक बार घास दिख जाए तो पूछो हिम्मत, एनआईए की टीम भी अगर इन्हें ढूंढ के निकाल दे तो मैं उन्हें ऑस्कर दे दूंगा। ढूंढ के निकालो जाओ, मतलब ऐसे गायब होंगे ऐसे गायब होंगे कि एक बार तो पबजी वालों को भी कहना पड़ जाएगा कि भैया निकल जाओ अब गेम खत्म हो गया है। अगर आप पबजी खेलते हो ना तो हमारी कही हुई सारी बातें आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं खेलते तो भैया हाथ जोड़कर आपको सत सत नमन, राधे राधे।